मुल्क में मानसून की एंट्री, लाहौर समेत पंजाब के मुतादद शहरों में मूसलाधार बारिश, कई रोज से जारी गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। केपीके के बेशतर इलाकों में भी बारिश की पेशगोई, बलोचिस्तान में जोब, बारखान, कोहलू, हरनाई, लोरालई, नसीराबाद और ज़ियारत समेत कई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक। कराची में गर्मी की शिद्दत बरकरार, शहरी हब से बिलबिला उठे। गर्मी की शिद्दत 40 डिग्री तक महसूस की जा रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में गुज़िश्ता रात माह जुलाई की गर्म तरीन रात थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का मरहला, इलेक्शन कमीशन का इजलास आज होगा। मखसूस नशिस्तों पर अदालती हुक्म की रोशनी में अमल दरामद के मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तें PTI को देने का हुक्म दिया था। तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पार्लियामानी पार्टी का इजलास कुछ देर में होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले और इस पर अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा। पार्लियामानी कायदीन और अरकान असेंबली शिरकत करेंगे। सदर बाइडेन कोरोना में मुब्तला, टेस्ट मुस्बत आ गया, तमाम इंतखाबी सरगर्मियां मुअत्तल कर दी। व्हाइट हाउस का कहना है कि सदर बाइडेन को वैक्सीन लगा दी गई है, वो अपनी रहायशगाह में आइसोलेशन में रहेंगे, दफ्तरी उमूर टेलीफोन पर अंजाम देंगे। अमरीकी सदर कहते हैं कि डॉक्टर्स ने इजाजत ना दी तो इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। पतोगी में क्रिकेट मैच के दौरान झगड़ा, डंडों, ईंटों, मुक्को और बल्लों का ज्यादा इस्तेमाल, मुतारिज जख्मी, पुलिस ने कई अफराद को धर लिया। वीडियो आज न्यूज। और भावलपुर में वैन में आतिशबाजी, 10 मुसाफिर जख्मी, 2 की हालत तश्वीशनाक, अस्पताल मुंतकिल। टायर और टूटने से वैन खेतों में जा गिरी, पेट्रोल टैंक लीक होने से वैन में आग लग गई।